हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद लोकेश। जैसा कि गाइज आप सब ने पिछले वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, तो प्लीज़ गाइज अगर जो जो लोग अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखा करते तो वो लोग प्लीज़ पूरा वीडियो को देखा करें और नीचे कमेंट करके मुझे हमेशा वीडियो के नीचे जो कमेंट करके आप मुझे बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका एक लाइक गाइज हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और अभी जो मेरे नए सब्सक्राइबर होने वाले हैं जिनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी है, वो प्लीज़ 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 जल्दी से जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज गाइज हमारे थोड़े अभी छोटा चैनल है, तो इस चैनल को आगे बढ़ाना है, तो प्लीज़ गाइज़ आप जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज हम जिस टीम के बारे में आज एनालिसिस करने वाले हैं, वो टीम का नाम है SRH। हमने कई पिछले टीमों में के बारे में किया है, जैसे कि CSK, मुंबई, RCB, तो बहुत सी टीमों के पीछे हमने एनालिसिस किया है। तो आज की जो टीम करने वाले हैं वो है SRH, सनराइज़र्स हैदराबाद, एक बार की IPL विनिंग टीम है। और इस साल उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्लॉट्स भी है, इनके पास बैकअप बहुत अच्छे हैं। तो आज हम इस टीम के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। हम इनका पूरा स्क्वाड देखेंगे, मैं आपको एक एक प्लेयर से रूबरू करा दूंगा। उसके बाद में हम इनके प्लेइंग 11 बनाने की देखेंगे इस साल, जो कि उनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हम बनाएंगे। उसके बाद में मैं इनके फॉरेन प्लेयर से आपको बताऊँगा, उसके बाद वीकनेस जानेंगे इस टीम की और स्ट्रेंथ क्या है सनराइज़र्स हैदराबाद की, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम देखते हैं इनका पूरा का पूरा स्क्वाड। तो मैं मोबाइल से देख के आपको एक एक प्लेयर के बारे में सब बता देता हूँ, इनके पास कितने प्लेयर है। इनका जो गाइस स्क्वाड है वो है 25 प्लेयर का स्क्वाड है इनका SRH का, और इसमें फॉरेन प्लेयर्स 8 फॉरेन प्लेयर्स है। तो ये मैं पूरा का पूरा 25 प्लेयर का जो स्क्वाड है मैं आपको अभी बताऊँगा। जो सबसे पहले केन विलियमसन, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, विजय शंकर, राशिद खान, मोहम्मद नबी, अभिषेक शर्मा, जॉनी बेयरस्टो, रिद्धिमान साहा विकेट कीपर, उसके बाद में श्रीवस्त गोस्वामी ये भी एक विकेट कीपर है, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल पेस बॉलर, शाहबाज नदीम, बिली स्टैनलेग, बैसिल थम्पी, टी नटराजन, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, मिचल मार्श, संदीप बावनका, फैबियन एलेन, अब्दुल समाद और संजय यादव, ये है उनका पूरा का पूरा 25 प्लेयर का स्क्वाड। तो ये एक अच्छा स्क्वाड है, इनके पास अच्छे फॉरेनर प्लेयर भी है जो कि ओवरसीज़ प्लेयर है, और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है गाइज। तो अब इनके जो हम थोड़े बहुत जो फॉरेन प्लेयर है, हर एक टीम के पास 8-8 फॉरेन प्लेयर्स है, तो इनके जो 8 फॉरेन प्लेयर्स है अब उनकी बात करते हैं। इनके बाद फॉरेन प्लेयर में सबसे अच्छे ओपनर डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, ये दो है। इसके बाद में केन विलियमसन भी है इस टीम में। उसके बाद राशिद खान, मोहम्मद नबी, बिली स्टैनलेग, मिचल मार्श, फैबियन एलेन, तो ये सब इनके फॉरेन प्लेयर है। इस साल इन्होंने मिचल मार्श और फैबियन एलेन जो कि ओवरसीज़ है इनको लिया है। तो ये है गाइज इनके पूरी टीम और इनके फॉरेन प्लेयर्स। तो गाइज जैसे कि हम इस टीम को देखते हैं, ये टीम थोड़ी बैलेंस भी है और थोड़े बहुत स्लॉट्स इनके थोड़े थोड़े नीचे है, बट इनके पास बैकअप बहुत अच्छे है, जो कि ज़्यादा टीमों के पास बैकअप नहीं है, लेकिन इस टीम के पास बैकअप बहुत अच्छे है। तो इनकी प्लेइंग 11 निकालना एक मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क था, लेकिन जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है मैं आपको ये बता देता हूँ अभी। तो चलो गाइज हम SRH की जो है प्लेइंग 11 निकालते। तो मेरे जो दो ओपनर रहेंगे उसमें रहेंगे सबसे पहले डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, बिकॉज ये जो पार्टनरशिप है, ये दो पार्टनरशिप की वजह से सनराइज़र्स पिछले साल भी बहुत ही अच्छी खेली थी, और इन दोनों का जो तालमेल है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये दो मेरे जो रहेंगे ओपनर। मैंने थर्ड पे खिलाएगा केन विलियमसन, बिकॉज मेरे को इस साल पता नहीं कैप्टनसी डेविड वार्नर करेंगे या केन विलियमसन करेंगे। जैसा मेरे को पता चला है कि डेविड वार्नर इस साल कैप्टनसी करने वाले हैं, तो मेरा थर्ड नंबर का जो प्लेयर है वन डाउन पर आएंगे केन विलियमसन। चार नंबर पर मैंने रखा है मनीष पांडे को। उसके बाद में पाँच नंबर पे लिए बहुत सारे प्लेयर्स तो नहीं है इनके पास, लेकिन जो इंडिया खेल चुके हैं उनका नाम है विजय शंकर, तो मैंने पाँच नंबर पे विजय शंकर को रखा है। मेरे जो विकेट कीपर रहेंगे वो रहेंगे रिद्धिमान साहा, ये मेरे सिक्स नंबर के बैट्समैन रहेंगे रिद्धिमान साहा। सात नंबर पर मैंने रखा है राशिद खान। मेरे पास जो है इनके पास फास्ट बॉलर, मैंने जो तीनों भी ओवरसीज़ लिए वो मैंने बैट्समैन लिए, और सिर्फ एक ही ऑलराउंडर लिया है वो है मैंने राशिद खान। इनके पास मोहम्मद नबी भी है, लेकिन मेरे टीम में राशिद खान नंबर 7 पर है। 8 नंबर पे मैंने रखा है भुवनेश्वर कुमार, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी डालते हैं। इसके बाद में 9 नंबर पर खलील अहमद, 10th नंबर पर सिद्धार्थ कौल, तो इन्होंने सिद्धार्थ कौल भी अच्छे बॉलर है, IPL का बहुत ज़्यादा अनुभव है इनके पास भी। और 11 नंबर पे मेरे पास दो चॉइसेस है, अगर आप एक पेसर खिलाना चाहते हैं इंडियन पेसर तो वो रहेंगे संदीप शर्मा, लेकिन अगर आप स्पिनर खिलाना चाहते हैं तो इस टीम में जो मुझे सबसे अच्छा स्पिनर लगा राशिद खान के बाद में वो है शाहबाज नदीम, इनके पास बहुत ही ज़्यादा IPL का अनुभव है,
तो अगर SRS स्पिनर 11 में खिलाना चाहती है, वो एक राशिद को पकड़ के और एक स्पिनर, तो शाहबाज नदीम होंगे मेरे हिसाब से। और अगर एक पेसर खिलाना चाहते हैं तो वो है संदीप शर्मा, बिकॉज संदीप शर्मा वो स्टार्ट में भी डालते और डेथ में भी डालते। तो गाइज ये है मैंने बनाई हुई SRH की प्लेइंग 11। तो मैंने इनके पूरे के पूरे स्क्वाड भी बता दिया, प्लेइंग 11 भी बता दिया। आइए अब हम थोड़ा सा जो है इनकी जो वीकनेस है, इस टीम के पास क्या वीकनेस है इस साल, उस पर थोड़ी सी गौर कराएंगे और मैं आपको उनकी वीकनेस बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइज इनके पास टॉप हेवी ऑर्डर है, इनके पास टॉप के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है लाइक RCB, उनके पास भी टॉप अच्छे प्लेयर है। लेकिन जो पाँचवें और छठवें नंबर का जो प्लेयर है, या इनकी विजय शंकर की पोजीशन हमने जो रखी हुई है 5 नंबर पे, तो इनके पास फिर लास्ट में आके बड़े बड़े हिट लगाते हैं, वैसे प्लेयर की थोड़ी बहुत कमी है गाइज। अगर विजय शंकर अच्छा खेलेंगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन वो उनके पास बस यही मुझे एक थोड़ी बहुत कमी लगी। बट इनके पास जो बैकअप है वो बहुत अच्छा है, इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बट वो फॉरेनर है। और फॉरेनर अगर आप ऑलराउंडर खिलाओगे तो आपको जॉनी बेयरस्टो, एक जो तीन प्लेयर रखे हैं जॉनी बेयरस्टो, डेविड वार्नर या फिर केन विलियमसन, इनमें से आपको एक को ड्रॉप करके एक ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा फॉरेनर्स। तो मेरे हिसाब से कुछ मैच केन विलियमसन बाहर भी बैठ सकते हैं अगर वो कैप्टन नहीं रहे तो। अगर डेविड वार्नर कैप्टनसी करते तो शायद केन विलियमसन थोड़े बहुत मैचेस नहीं खेलते हुए देखेंगे आपको। तो गाइज ये है मैंने पूरी बताई हुई आपको प्लेइंग 11। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ रही गई थी गाइज, तो SRH की जो स्ट्रेंथ है वो है इनका बैटिंग ऑर्डर। इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर वाले जो चार प्लेयर है वो बहुत ही अच्छे हैं, और इनके पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है। हर बार सनराइजर्स हैदराबाद की स्पेशलिटी होती है उनकी बॉलिंग, वो 150, 140, 130 भी डिफेंड करना जानते हैं गाइज। तो इनके पास इनकी जो स्ट्रेंथ है, मेरे लगता है बैटिंग से भी अच्छी इनकी स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग। बैट्समैन में इनके पास 2-3 अच्छे बैट्समैन है ओवरसीज, उसके बाद में इंडियन बैट्समैन भी अच्छे हैं, बट इतने अच्छे नहीं है जो कि उनके पास ओवरसीज अच्छे है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनके पास बॉलर बहुत ही अच्छे हैं। और इनके पास ये टीम का मुझे ये अच्छा लगा कि इनके पास बैकअप भी है, हर एक प्लेयर का बैकअप है। इनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स के बैकअप है, बॉलर्स के बैकअप है, और इन्होंने कुछ नए टैलेंटेड जो है बैट्समैन भी लिए हैं, क्योंकि अंडर 19 टीम के कैप्टन है प्रियम गर्ग, वो भी इनके पास है। अभिषेक शर्मा पिछले साल खेले थे, इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन वो भी एक अच्छे बैट्समैन है। तो ये मैंने जो पूरी आज का वीडियो है ये SRH के ऊपर है। तो प्लीज़ ये वीडियो SRH के हर एक फ़ैन के साथ शेयर कीजिए, अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए गाइज। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए गाइज, ताकि आप मेरे नए नए वीडियोस कभी मिस ना कर पाए। और आपको ये वीडियो कैसे लगा वो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।